नाजरीन आदाब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तली प्रोग्राम में मैं फ़िरोज़ आलम लेक्चरर नज़ामत फ़ासती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका खैर मकदम करता हूँ आज के हमारे इस तली प्रोग्राम का मौजू है नावल का फ़न और इसके अज़ाए तरकीबी ये प्रोग्राम बी ए साल उर्दू अदब के तलबा के लिए है इसमें आपको बताया जाएगा कि नावल क्या है इसके एजाय तरकीबी क्या हैं और ये तमाम एजाय तरकीबी नावल की तश्कील में किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं तो आइए सबक का आगाज करते हैं आपने डिप्टी नजीर अहमद रतन नाथ सरशार अब्दुल हलीम शर्र प्रेमचंद, मिर्ज़ा हादी रसुवा करतुलदर कृष्ण चंदर इसमत चौकताई, राजर सिंह बेदी शौकत सिद्दीकी अब्दुल्ला हुसैन इंतज़ार हुसैन वगैरह कलमकारों से ज़रूर वाकफ़ होंगे आपने तोबतनसु इब्नवक् फिरदौ से बरी फ़सा आज़ाद गौदान शिकस्त एक गद्दे की सरगुजश्त टेढ़ी लकीर एक चादर मैली सी खुदा की बस्ती उदास नस्लें आग का दरिया और बस्ती वग़ैरह नावलों का मताल ज़रूर किया होगा नाजरीन नावल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है जब आप नावल पढ़ते हैं तो इसकी फ़ज़ा और माहौल में खो जाते हैं इसमें जो किस्सा बयान किया जाता है जो किरदार पेश किए जाते हैं उनसे आप अपनाइत महसूस करने लगते हैं नावल पढ़ने के बाद इसकी कहानी और किरदार आपको याद रह जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नावल है क्या इसकी तश्कील में किन अज्जा का अमल दखल होता है एक अच्छे नावल की खसूसियात क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मैं बताऊँ कि नावल का लफ्ज़ कहाँ से आया नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है जो लातीनी जबान के लफ्स नोवस से मुशतक है जिसका मतलब है नई चीज़ रोम के कदीम बादशाह हेड्रियम और जस्टिनन के ज़माने में जो नए फरमान जारी हुए और जो कानून का हुक्म रखते थे उन्हें नाविलास कहा जाता था अंग्रेज़ी में जब रोमांस जो हमारी दास्तानों की तरह अफसानवी अदब की एक सिंफ है के बाद एक नई सिंफ वजूद में आई तो उसे नावल यानी नया का नाम दिया गया इस सिनफ़ का नाम नावल रखने की एक और वजह ये थी कि नावल के, के अशासा और प्लॉट हमेशा एक दूसरे से मुख्तलफ़ यानी नए होते हैं नावल सनती यहाद की पैदावार है जब साइंस ने तरक्की की और बहुत सारे अक़ाद तवाहम बातिल करार पाए तो दास्तानों की जगह एक नई सिनफ अदब को उरूज हासिल हुआ दास्तानों में जो किस्से बयान किए जाते थे उनमें फितरी किरदार होते थे और उनके और उनको कबूल करना नए इंसान के नए दौर के नए इंसान के लिए बड़ा मुश्किल था नए दौर का नए इंसान हकायक पर यकीन रखता था और उसके लिए जो उसकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो ज़्यादा अहम थी यही वजह है उर्दू में सिर्फ नावल का वरूद हुआ उर्दू ही नहीं बल्कि अंग्रेजी या दूसरी जबानों में भी नावल का वरूद इसी वजह से हुआ अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर नावल कहते किसे हैं यानी नावल की तारीफ क्या है दरअसल नावल क्या किसी भी सिंफ़ की तारीफ दो टूक अंदाज में नहीं की जा सकती फिर भी चंद लोगों ने जो इसकी तारीफें की हैं उनसे मैं आपको मुतारफ कराता हूँ एम फॉस्टर का ख्याल है कि एक खास तवालत का नफरिक नावल है एक मुमताज़ नावल नगार हेनरी जेम्स का ख़्याल है कि नावल अपनी वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है लेकिन ये दोनों तारीफ़ें मुकम्मल नहीं कही जा सकती क्योंकि नावल को एक खास तोवालत का नसरी क़सा कहने से इसमें हर किस्म के नसरी क़े मसला दास्तानें अफसाने तमसीली क़्स वग़ैरह शामिल हो जाएंगे हैं जेम्स की तारीफ़ भी नावल के सिर्फ़ एक ही अहम वफ़ यानि हकीकी ज़िंदगी से इसके ताल्लुक़ पर रोशनी पड़ती है आइए चंद और तारीफ़ों पर नज़र डालते हैं प्रोफेसर बेकर का कहना है कि नावल में ज़िंदगी की तर्जमानी होती है एक साइंटिफिक, फलसफियाना या कम अज़ कम जहनी तनकीद हयात होती है ये नसर में होता है इसमें हकीकी ज़िंदगी की हू बहू या उसमें मुशाबह तस्वीर मिलती है नावल के वाक़ात मरबूत होते हैं स्कॉट जेम्स ने इसकी तारीफ़ करते हुए लिखा है कि नावल में इन बा, उन बातों को पेश किया जाता है जो ज़िंदगी के जैसी होती हैं या उसके मुताबिक होती हैं नावल के बारे में एक और अहम मुफ़िर एंथोनी ट्रोलोप का ख्याल है कि नावल एक ऐसी तस्वीर है जिसमें आम जिंदगी की मसरत और गम दिखाए जाते हैं ताकि वो तस्वीर जानदार नजर आए इस तस्वीर को अगर काबिल तवज्जो बनाना है तो इसे बहुत वसी और हकीकी शबी से मामूर होना चाहिए नावल की एक बहुत अच्छी तारीफ़ प्रोफेसर कमर रईस और डॉक्टर खलीकुम ने अपनी किताब असनाफ़ अदब उर्दू में की है लिखते हैं नावल का फ़न एक मखसूस नुत नगाह से ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है हकीकत को तख्लीक का रूप देकर या तख्लीक को हकीकत का जामा पहनाकर इस तरह पेश करना कि किस्से की हैसियत से उसके तमाम अज़ा में तालमेल और हम आहंगी कायम रहे नावल हैं इन तारीफों से आपके जहन में ये वाजह हो गया होगा कि नावल क्या है अब नावल के अजाय तरकीबी पर गुफगू करते हैं आम तौर से नावल के सात या आठ अजय तरकीबी बयान किए जाते हैं ये हैं कहानी प्लॉट किरदार मकाल में माहौल नुक़ः नज़र या फ़लसफ़ हयात तकनीक और उसलूब आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है नावल का सबसे अहम जुज कहानी या किस्सा है आम तौर से नावल को एक किस्सा ही समझा जाता है और आम नावल में किस्से के सिवा कुछ और होता भी नहीं लेकिन आला से आला नावल भी क़़े बग़ैर वजूद में नहीं आ सकता ख़ास उसमें किस्सापन बहुत ही हल्का हो नावल के मुमताज़ नक़ाद ई एम फॉस्टर ने किस्से को नावल की रीढ़ की हड्डी करार दिया है जिस तरह रीढ़ की हड्डी के बग़ैर इंसान चल फिर नहीं सकता उसी तरह कहानी के बगैर नावल आगे नहीं बढ़ सकता कहानी सुनना और इससे लुफानंदोज़ होना इंसान की फितरत में शामिल है इंसान हमेशा से ही कहानी में दिलचस्पी लेता आया है हर क़े में यह बयान होता है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ और आखिर में ये नतीजा हुआ फिर क़े में एक शुरू का वाक़ होता है कुछ दरमिया वाक़ होते हैं और आखिर में कोई ख़ास वाक जो किस्से को अंजाम तक पहुँचाता है कहानी में वक्त के हिसाब से जरूरी है हमारी जिंदगी में हर बात एक वक्त में नहीं होती इसलिए हर कहानी में अवकात का तयन और जरूरी है दिलचस्पी और तजस भी कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ क़् दिलचस्प होते हैं और कुछ गैर दिलचस्प क़े की खूबी यह है कि इसे सुनने या पढ़ने वाला हमेशा इस धुन में लगा रहे कि आगे क्या हुआ हर किस्सा को अपने अंदाज़ में किस्सा बयान करता है लेकिन किस्से को दिलचस्प बनाने का फ़न सबको नहीं आता अच्छा किस्सा आमतौर पर वही समझा जाता है जिसको सुनने या पढ़ने से एक तरह की मसरत हासिल होती है किस्सा यूँ तो हर अफसानवी सिंह में बयान किया जाता है लेकिन नावल में इसकी अक्कासी शरबस्त के साथ की जाती है नावल में अफसाने के बरखिलाफ़ किस्से को जितना चाहे तुल दिया जा सकता है कहानी के बाद अब मैं नावल के एक और अहम जुज प्लॉट के बारे में आपको बताता हूँ प्लॉट क्या है वाक़ात की मनतकी तरतीब का नाम प्लॉट है प्लॉट साजी को एक किस्म का फ़न तमीर करार दिया जा सकता है अच्छे प्लॉट वाले नावल का हर हिस्सा इस तरह तमीर होता है जैसे किसी इमारत के अलग अलग हिस्से आम तौर से एक सीधे साधे प्लॉट के पाँच हिस्से होते हैं पहले हिस्से में तमाम किरदारों का तारुफ हो जाता है दूसरे हिस्से में उन किरदारों के मामलों में गुत्थियाँ पढ़नी शुरू होती हैं तीसरे हिस्से में ये गुतियाँ इस कदर उलझ जाती हैं कि उनका सुलझना महाल मालूम होने लगता है चौथे हिस्से में ये सभी गुत्थियाँ सुलझने लगती हैं और पाँचवें हिस्से में तमाम मामला खात्मे पर पहुँच जाते हैं प्लॉट और किस्से में ज़रा सा फ़र्क है कहानी की मिसाल ये है कि एक राजा था एक रानी थी पहले राजा का इंतकाल हुआ फिर रानी का इंतकाल हुआ इस कहानी में प्लॉट उस वक्त होगा जब इसको इस तरह बयान किया जाए कि एक राजा था एक रानी थी पहले राजा का इंतकाल हुआ और राजा के इंतकाल के सदमे से रानी बीमार हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई प्लॉट जितना गठा हुआ और मजबूत होगा उसी कदर अच्छा समझा जाता है प्लॉट में किस्सा नहायत सलीके के साथ ढला हुआ होना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा वाक़ जिनका बुनियादी किस्से से कम ताल्लुक़ हो उनके बयान से गुरेज करना चाहिए प्लॉट तैयार करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बुत तराश कुछ ख़ास फ़नी कायदों के मुताबिक किसी पत्थर की सिल को तराश कर एक खूबसूरत मुजस्मा तैयार करें लेकिन इसमें किसी बनावट का एहसास नहीं होना चाहिए बल्कि फितरीपन होना चाहिए प्लॉट कई तरह के होते हैं मिसाल के तौर पर बनावट के एतबार से प्लाट की दो किस्में हैं एक ढीला प्लाट दूसरा गठा हुआ प्लाट ढीले प्लाट में किस्म के वाक़ एक ही शख्स से मुतल होते हैं उन वाक़ में एक दूसरे से कोई खास रब नहीं होता है मिसाल के तौर पर पंडित रतन नाथ अशार का नावल फसाना आज़ाद पेश किया जा सकता है जिसका पूरा क़्सा आज़ाद के दरमियान आज़ाद के इर्द गिर्द घूमता है चुस्त और गठे हुए प्लाट में तमाम वाक़ आपस में एक दूसरे से मरबूत होते हैं अच्छे नावलों में आम से तोज़न तरतीब और हयात का ख्याल रखा जाता है इसके साथ साथ प्लॉट को भी काफ़ी लचकदार बनाया जाता है ज़रूरत से ज़्यादा सोच समझ कर तैयार किया हुआ मैकेनिक सोच समझ कर तैयार किया हुआ प्लॉट मैकेनिकी हो जाता है और उसमें फितरीपन बाकी नहीं रहता फिर दो से बरी और उमराव जान आदा चुस्त और गठे हुए प्लॉट की बेहतरीन मिसाल है अजीज़ तलबा आप और प्लॉट से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं अब मैं नावल के एक और अहम किरदार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ नावल में इंसानी ज़िंदगी की अक्सी किरदारों के जरिए होती है नावल में किरदारों की वही हैसियत है जो इंसानी समाज में फर्द की होती है इंसानी समाज का फ़र्द ही नावल में किरदार की शक्ल में उजागर होता है हकीकी दुनिया के अफराद की तरह ही इन किरदारों के नाम खसूसियात और सूरत शक्ल होते हैं अगरचे नावल के किरदार इंसानी जिंदगी इंसानी किरदार से ही माखूज होते हैं लेकिन ये उनका चरबा या उनकी नकल नहीं होते दोनों में फ़र्क होना लाजमी है फ़न के तकाज़े ज़िंदगी के तकाज़ों से अलग होते हैं फ़न की बुनियादी तखयुल पर है यही वजह है कि हमारे हकीकी किरदार नावल या अफसाने में बदले हुए नज़र आते हैं नावल नगार हकीकी ज़िंदगी से किरदार लेता है और उन्हें किसी की ज़रूरत के तहत तखयल की आमेजिश से चंद खूसियात का हामिल बनाता है मसला नसु ज़ाहिरदार बेग खूजी उम्राव जानादा हरी वगैरह हकीकी किरदार नहीं हैं लेकिन इनमें जो खसूसियात मिलती हैं वह हमारी दुनिया के इंसानों से ही ली गई हैं किरदारों की तख्लीक का अमल बड़ा नाजुक और दुशवार गुजार होता है किरदार खल करते वक्त नावल नगार को हद दर्जा मुहतात रहना पड़ता है जिन किरदारों के जरिए नोल नगार इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलि शक्लों की कशी करता है उनकी तश्कील के लिए उसे एक मखसूस तरीक़ार अपनाना पड़ता है नाल नगार के लिए इंसानी आदात व हसाइल खूबियों खामियों पसंद और नापसंद और हरकत वमल का गहरा शूर होना ज़रूरी है इंसानी नफसियात से भी नावल नगार को पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए फितरी और आम जिंदगी से करीब किरदारों की तख्लीक वही नावल नगार कर सकता है जो खुद हद दर्जा हसास बारीक बी गैर मसलहत पसंद और रमोज़ फ़िक्रफ़न से पूरी तरह आशना हो बेहतर और मौसर किरदार की तख्लीक के लिए नावल नगार के जहन में किरदार की पूरी ज़िंदगी होनी ज़रूरी है किरदार नगारी उसी वक्त मौसर हो सकती है जब किसी किरदार की तमाम किरदारी खसूसियात से नावल नगार वाकफ़ हों मौसर किरदार निगारी के लिए वसी तजुर्बा और उन किरदारों के रवैये से नाल नगार की वाकफियत जरूरी है नाल नगार को चाहिए कि वो जो भी किरदार पेश करे उसकी वज़ाक़त और आदात व खसाइल की अक्सी इतने मौसर अंदाज़ में करे कि कारी को उसके बारे में सही राय कायम करने में दुशारी न हो किरदार निगारी के ज़िम्म में नोल नगार को एक और अहम बात की तरफ तोज्जो देनी चाहिए उसे अपने किरदारों के बारे में सब कुछ एक ही बार में नहीं कह देना चाहिए बल्कि इब्ता में खास खास बातें बयान करने के बाद उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए ताकि हालात और दीगर किरदारों के साथ वह ख़ुद बखुद अपनी शख्सियत को वाजह करता चला जाए कामयाब किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि नोबल नगार किरदारों की शक्ल सूरत उनके बर्ताव रवैये तर्ज़ एहसास जज्बात का इजहार हरकत अमल और जहनियात में जो अहम बातें हों उनको इतनी वजाहत से बयान करें कि के जहन में एक साफ़ तस्वीर खींच जाए अजीज़ तलबा किरदारों की कामयाबी का इहसार इस पर है कि वो जिंदा इंसानों की तरह चलते फिरते नजर आएं। नावल ख़त्म करने के बाद भी वो हमारी याददाश्त का हिस्सा बन जाएं। आम तौर से नावल में किरदार दो तरीक़ों से जाहिर किए जाते हैं एक तरीक़ा है तशरी और दूसरा ड्रामाई तश्रही तरीक़कान में नावल नगार अपने किरदार के जज्बात ख्याल इरादे एहसास वगैरह बयान करता है और उन पर अपनी राय देता है ड्रामाई तरीक़े में किरदार अपनी बातचीत और अमल से अपने आप को रुशानास कराता है किसी नावल में कोई किरदार एकदम से हमारे सामने नहीं आ जाता बल्कि उसके मुख्तलिफ पहलू आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आते रहते हैं अच्छे किरदार वही होते हैं जिनके बारे में नावल ख़त्म होने तक हमें कुछ ना कुछ नई बातें मालूम होती रहें किरदार नगारी के फ़न पर गुफगू करने के बाद बेहतर होगा कि आपको किरदारों की अकसाम से वाक़ कराया जाए किरदारों की अकसाम कई तरीक़ों से बयान की जाती हैं जैसे किरदार अरता के अतबार से कहानी के एतबार से दायरा अमल के अतबार से तबकती एतबार से सबसे पहले हम आपको किरदारी इरता के एतबार से किरदारों की दर्जा बंदी पर गुफगू करते हैं इसके अतबार से किरदार दो तरह के होते हैं फ्लैट या सपाट और राउंड या मुतहरिक फ्लैट किरदार में फितरी इरता नहीं पाया जाता जबकि राउंड किरदार इरता से ही इबारत है फ्लैट किरदार का कोई मखसूस वसफ़ नुमायाँ होता है और वह उसी की बदौलत पहचाने जाते हैं चूँकि ज़माने और हालात के सर्दो गर्म का उन पर कोई असर नहीं पड़ता इसलिए उन्हें एक बार मतारुफ कराने के बाद बग़ैर किसी अहतमाम के हर जगह पेश किया जा सकता है फ्लैट किरदारों को नावल नगार आम तौर से अपने मकसद के तहत इस्तेमाल करता है ऐसे किरदार समाज और माहौल की आयनदारी में भी मावन होते हैं ऐसे किरदार कानी को आसानी से याद रह जाते हैं उनकी तमीर चूँकि किसी एक ही वफ़ या ख्याल की बुनियाद पर होती है ये इसलिए ये जहन पर देरपा तासुर छोड़ने में भी कामयाब रहते हैं नावल के लिए कुछ फ्लैट किरदार ज़रूरी हैं। किरदारों की तजादात नाउस्तवारियाँ, जज्बों का तसादम और इस तरह की तफसीत सिर्फ राउंड किरदारों के जरिए पेश नहीं की जा सकती फ्लैट किरदार शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक जैसे रहते हैं और बाहरी चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं होता यह आम से किसी न किसी तबके की नुमाइंदगी करते हैं नावल नगार उनमें उस तबके की तमाम खसूसियात दाखिल कर देता है डिप्टी नज़ीर अहमद के ज़्यादातर किरदार मस नसुह अब्नलवक्तलाम सरसार के नावल फसाने आजाद का खूजी प्रेमचंद के नावल गौदान का होरी ये तमाम किरदार फ्लैट किरदार की उमदा मिसालें हैं वो किरदार जो अपने आस पास के माहौल माशरे और पस मंज़र से असर कबूल करते हुए क़े के साथ इरता पजीर होते हैं वो राउंड किरदार कहे जाते हैं ये किरदार अपने हालात के साथ मुनासिब अंदाज में चलते हैं वक्त की मुनासबत से उनमें तब्दीली भी आती है ये किरदार आम इंसान की तरह नजर आते हैं राउंड किरदार के इरता पर कारी की नज़रें हमेशा लगी रहती हैं इसलिए उनकी पेशकश के दौरान नावल नगार को बेहद एहतियात से काम लेना पड़ता है वाक़ात और माहौल की साजगारी के बगैर उनमें मतवो या गैर मतवो तब्दीली नहीं दिखाई जा सकती राउंड किरदार अपने अंदर नफसियाती हकीक़त रखते हैं जिस तरह हकीकी ज़िंदगी में इंसान कब और कैसे इंसान में तब्दीली आ जाए इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता उसी तरह ऐसे किरदारों में भी एक बैक ऐसी तब्दीली आ जाती है कि कारी हरत ज़्यादा रह जाता है अज़ीज़ अहमद का नावल गुरेज का नईम अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें का नईम या इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया का सहदेव राउंड किरदार की अच्छी मिसालें हैं अब आइए मैं आपको प्लॉट के अतबार से किरदारों की किस्में बताता हूँ प्लॉट के अतबार से भी किरदारों की दो किस्में मरकजी किरदार और मुआमिन किरदार मरकज़ी किरदार वो होते हैं जो नावल को सिमत व रफ्तार अता करते हैं और जिनमें नावल का असली मकसद पिन्ह होता है मरकजी किरदार अगर मर्द है तो उसे हीरो कहा जाता है और अगर औरत है तो हीरोइन ये विलन भी मरकज़ी किरदार के शाना बशाना चलता है इसलिए उसे भी मरकजी किरदार के जैल में शुमार किया जाना चाहिए अगर विलन किस्से की हो क़े के थोड़े से हिस्से में आता है तो उसे मान किरदार के जैल में रखा जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि माविन किरदार क्या है माविन किरदारों का ताल्लुक किस्से से बराह रास्त नहीं होता किसी मखसूस काम या वाक़े के लिए उनको मंतख किया जाता है और मकसद पूरा होने के बाद ये सीन से ग़ायब हो जाते हैं दायरा अमल के एतबार से भी किरदारों की दर्जा बंदी की जाती है इस जैल में जो किरदार आते हैं वो हैं समाजी सियासी फनतासियाई नफ्सियाती और तारीखी जिन नावलों के किरदार में समाज की सदा हावी होती है उन्हें समाजी किरदार कहते हैं सियासी किरदारों के जरिए मुल्क के सियासी मसाइल पॉलिसियों तहरीकों और नज़रियात की अक्कासी की जाती है बाज़ नावलों में आम आदमी के साथ हैवान और परिंदों को भी आदमी की तरह बोलते और अमल करते दिखाया जाता है उन्हें फनतासियाई किरदार कहा जाता है कृष्ण चंद्र के नावल एक गद्धे की सरगुजश्त का गद्दा बेहतरीन फन किरदार है नफसियाती किरदारों के ज़रिए इंसान की दाखिली ज़िंदगी की अक्कासी की जाती है तारीख़ी किरदार जैसा कि नाम से जाहिर है तारीख से लिए जाते हैं तबकती एतबार से भी किरदारों की दर्जाबंदी की जाती है इसमें समाज के तीनों तबकों आला मुतवस्त और अदना के अतबार से इनको तकसीम किया जाता है और जो किरदार जिस तबके से ताल्लुक़ रखता है उसकी खसूसियात तर्ज ज़िंदगी समाजी हालत सोच और नफसियात के अतबार से उसका तजिया किया जाता है हमने आपको नावल के तीन एजाए तरकीबी यानी क़स्सा या कहानी प्लॉट और किरदार के बारे में बताया अब मैं इसके चौथे जुज्व मकालमे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मकालमा भी नावल का एक अहम जज्व है नावल में ड्रामाई कैफियत मकालमों के जरिए ही पैदा होती है अच्छे मकालमे लिखना एक बड़ा फ़न है मकालमे लिखते वक्त नावल नगार पूरे तौर पर ड्रामा नगारी के दायरे में आ जाता है मकालमा किस्से को आगे बढ़ाने और किरदार को नुमाया करने का काम करता है मकालमे के जरिए ही किरदार के इरादे एहसास और जज्बात वगैरह का इजहार होता है दो किरदारों की फितरत का अख्तिलाफ भी मकालमों के जरिए ही वाजह होता है अच्छे मकालमों के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं अव्वल ये कि वह नावल का अहम जज्जू यानी प्लॉट का इरतका और किरदार की खसूसियात का इजहार उसके जरिए किया जाए दोम ये कि मकालमे को फितरी साफ़ और मौजू होना चाहिए हर किरदार की बात का अंदाज़ बिल्कुल अलग होना चाहिए जिस तरह हर इंसान की गुफ्तु का एक खास अंदाज होता है उसी तरह किरदारों में भी इनफरादियत होनी चाहिए मकालमों में नावल नगार को ख्याल रखना चाहिए कि हर किरदार अपने तबके जिन्स उम्र और हैसियत के मुताबिक बात करें प्रेमचंद के नावल गौदान में होरी की बातचीत का अंदाज़ मेहता साहब के लबो लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ है नाजरीन प्लॉट किरदार और मकालमे के बाद अब मैं आपको माहौल के बारे में बताने जा रहा हूँ माहौल भी नावल के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जुज्व है किस्सा जिस मखसूस अहद तर्ज़ ज़िंदगी माशरे और माहौल से ताल्लुक़ रखता है उसका ज़ोग्राफ़ियाई माहौल भी नावल में पेश करना ज़रूरी होता है नावल नगार ये माहौल दो तरीक़ों से पेश करता है एक ये कि वह समाज के नक्शे बाज़ारों गलियों सड़कों वगैरह की हालत पेश करता है दूसरे ये कि वह कुदरती मनाजिर मसल जंगलों पहाड़ों और दरियाओं वगैरह की तस्वीरें सामने लाता है कुदरती मनाजर की पेशकश के सिलसिले में आम तौर से दो तरीक़ों पर अमल किया जाता है एक तरीक़ा तो ये है कि मनाजिर की अक्सी बिल्कुल मसविर की तरह की जाए और किसी ख़ास मंजर की जाहरी खसूसियात और उसकी अच्छाई और बुराई को हू बू पेश कर दिया जाए दूसरा तरीक़ा यह है कि मनाजिर को इस तरह पेश किया जाए कि किसा या किरदार पर उनका असर नुमाया हो जाए अब मैं नावल के एक और अहम जुज् नु़ नजर या फलसफ़ा हयात के बारे में आपको बता रहा हूँ हर नावल में जो उसका मुसनफ़ होता है उसका फलसफा हयात या नुत नज़र किसी न किसी तौर पर उभर कर सामने आता है नुत़ नज़र की नावल में बड़ी अहमियत है नावल में ज़िंदगी की अक्सी की जाती है और इस अक्सी में नावल नगार का नु़ नज़र उभर कर सामने आता है नावल में कहानी कई तरह से बयान की जाती है कभी नावल नगार ना कभी रावी ख़ुद नावल नगार होता है कभी एक किरदार कहानी के सारे वाक़ को पेश करता है या फिर नावल का, का मरकज़ी किरदार खुद ही वाहिद मतकलम की सूरत में यह कहानी बयान करता है किस्से का रावी खा कोई भी हो नाल नगार का नुक़ नज़र हर सूरत में सामने आता है हर नावल नगार का ज़िंदगी को देखने का अपना मखसूस नुत नज़र होता है बास चीज़ों को वो पसंद करता है और बास को नापसंद नावल में यही पसंद व नापसंद नावल नगार के नुतः नज़र के तौर पर उभर कर सामने आता है नावल में नुक़ नज़र दो तरीक़ों से पेश किया जाता है एक तरीक़ा ये है कि नावल नगार ज़िंदगी के उन मामलों को मंतख करता है जो ख़ास अखलाकी हैसियत रखते हैं वो किरदार की हरकत पर रोशनी डालते हुए प्लाट की तरतीब में उन वाक़ को ज़्यादा रोशन करता है जो उसकी ज़िंदगी के खास तजुर्बा हैं इसके साथ साथ मुख्तलफ़ुम के बयान में एक अखलाकी पहलू भी नावल नगार पेश करता है दूसरा तरीका ये है कि नोल नगार जगह जगह किरदार की हरकत व शक्न की वजाहत करता जाता है किसी हरकत को वह हमदर्दी से बयान करता है किसी को अच्छाई के साथ और किसी को तंस के साथ इस तरह हमें मालूम होता रहता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं या चीज़ों के बारे में नोल नगार के ख्याल क्या हैं नोल नगार के नुक़ः नज़र या फलसफ़ा हयात को परखने के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि उसका फलसफा किस हद तक हकीकत पर मबनी है ये बड़ा अहम सवाल है कि नाल में वाकयात को किस हद तक हकीकी ज़िंदगी से मिलता जुलता होना चाहिए मुमताज़ मुफकर गोएटे ने इसका जवाब यूँ दिया है फ़नकार का फ़न यहाँ तक हकीक़त पर मबनी होना चाहिए कि उसको हर तरह हकीकी कहा जा सके मगर इसके साथ इस हद तक ख्याल भी होना चाहिए कि उसको बिल्कुल हक़ीकी न कहा जा सके हकीक़त और रोमान दोनों को मिलाकर शायराना हकीकत पैदा होती है जो नावल नगारी की जान है नावल में प्याम होना चाहिए लेकिन ये प्याम बरह रास्त नहीं इशारे किनाए में सामने आना चाहिए किस्से की बुनत ऐसी होनी चाहिए और किरदारों की तशकील इतनी फनकारी से की जानी चाहिए कि प्याम उससे छन छन कर बाहर आए यह कारी पर ज़्यादा तवज्जो देता है यह कारी को ज़्यादा मुतासर करता है अब आइए मैं आपको नावल के एक और अहम जुज तकनीक से वाकिफ़ कराता हूँ हर नावल नगार का किस्से के बयान में किसी ख़ास तकनीक से काम लेता है अच्छे नावल के मुख्तलिफ हिस्सों में वो हम आहंगी होती है जो आम तौर पर ज़िंदगी में नहीं मिलती हर नावल नगार वाक़ व तो किरदार की तरतीब खास उसूल के तहत लाता है बाज़ नावल नगार प्लॉट पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बाज़ किरदार पर बाज़ नावल नगार प्लॉट और किरदार से ज़्यादा मौजू और उसलूब पर तोज् देते हैं नावल की कई तकनीकें हैं जिन में ख़ास बयानिया तकनीक शूर की रो की तकनीक ख़तूत और डायरी की तकनीक और फ्लैशबैक की तकनीक काबिल जिक्र हैं बयानिया तकनीक में रावी किस्सा बयान करता चला जाता है उर्दू के ज़्यादातर नावल इसी तकनीक में लिखे गए हैं मिसाल के तौर पर तोब्बतुलनसुह उमरावजान अदा गौदान वगैरह का नाम लिया जा सकता है शौर की रोह की तकनीक में जिस तरह इंसान का ज़हन आज़ाद है उसी तरह किरदार माजी से हाल और हाल से माजी का सफ़र करता रहता है लंदन की एक रात गुरेज़ आग का दरिया वगैरह नावलों में इस तकनीक का इस्तेमाल कामयाबी से किया गया खतूत और डायरी की तकनीक में पूरा किस्सा खतूत या डायरी के ज़रिए तरतीब दिया जाता है काजी गफ़ार का नावल लाला के ख़तूत और मनू की डायरी में यही तकनीक इस्तेमाल की गई है फ्लैश बैक की तकनीक में नावल नगार पूरा किस्सा हाल से माजी में ले जाकर बयान करता है खदीजा मस्तूर का नावल आंगन इसकी बेहतरीन मिसाल है अब आइए मैं आपको नावल के एक आखिरी और बेहद अहम चुज़ उसलोब से वाकिफ़ कराता हूँ क्योंकि उसलोब की भी नावल में बड़ी अहमियत है नावल नगार ने अच्छा मौजू मंतब किया अच्छा प्लॉट तरतीब दिया बेहतरीन किरदार तराशे मौजू तकनीक का इस्तेमाल किया लेकिन अगर उसका उसलोब मुनासिब और मौजू नहीं है तो नावल कामयाब नहीं हो सकता नावल का उसलोब मौजू और किरदार के मुताबिक होना चाहिए उसलोभ ऐसा होना चाहिए कि नावल में जो किरदार और वाकयात पेश किए जा रहे हैं कारी की तवज्जो सिर्फ़ उन पर मरकूज़ रहे ऐसा नहीं कि वो उसब की भूल भुलैया में खो जाए हमारे बाद तर्ज नावल नगारों ने उसलोभ की इनफरादियत को कायम रखते हुए वाकयात और किरदारों की को बहुत ही रोशन अंदाज में पेश किया है रतन नाथ सरशार काजी सत्तार और क़ुरतुलैन हैदर के नावल इसकी बेहतरीन मिसाल है अब आप नावल के इन तमाम अजाय तरकीबी से बखूबी वाकिफ हो गए हैं आज का ये सबक इसमें हमने आपको बताया कि नावल क्या है नावल के अहम अज़ाय तरकीबी क्या हैं और उन अज़ाय तरकीबी का नावल की तश्ील में क्या रोल होता है नाजरीन आज की हमारी ये गुफ्तगू यही ख़त्म होती है अगर आप मज़ीद मताल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो चंद अहम किताबें हैं उनका मैं नाम बता रहा हूँ आप उन्हें नोट कर लें पहली किताब है नावल का फ़न जिसके मुसन्फ़ हैं ई एम फॉस्टर इसका उर्दू तर्जमा किया है प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी ने यह किताब एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से शाया हुई है दूसरी किताब है नावल क्या है जिसके मुसनफ़िन हैं डॉक्टर महम्मद अहसन फ़ारूकी और डॉक्टर सैयद नूरुल हसन हाशमी ये किताब भी एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ ने शाया की है एक और अहम किताब है दास्तान से अफसाने तक जिसके मुसन्फ़ हैं वक़ार अजीम और ये किताब भी एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से शाया हुई है अगर आपके जहन में कुछ शकूक हैं या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे रबते का पता नोट फरमा लें हमारा पता है नज़ामत फासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गची हैदराबाद पाँच सिफ़र सिफ़र सिफर तीन दो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी खुदा हाँ।